उपचुनाव के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए पार्षदों के द्वारा चुनाव होने लगे हैं और अब अध्यक्ष पद की रेस शुरू हो गई है। कटघोरा नगर पालिका परिषद के 15 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को 7-7 सीटें मिली हैं और एक निर्दलीय पार्षद चुना गया है। अब इस कांटे वाली टक्कर स्थिति में बीच में कटघोरा में कांग्रेस पर्यवेक्षक ने अपने पार्षदों के साथ बैठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद अब तेज हो गई है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक और प्रदेश सचिव राजेंद्र कुमार शुक्ला ने कांग्रेसी पार्षदों की 1-to-1 बैठक ली है, जिसमें शुक्ला के द्वारा संगठन में एकता के साथ कांग्रेस के नगर पालिका कटघोरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की पुरजोर कोशिश की गई। जनता ने मुहर लगाई है और इसी का परिणाम है कि नगर निगम में लगभग सभी नगर निगम में कांग्रेस की नगर सरकार बनने जा रही है। कुछ एक जगह नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में ऐसी स्थिति आई है कि लगभग लगभग बराबर की स्थिति है। जैसे आपके कटघोरा में भी 7 कांग्रेस 7 भाजपा के यहाँ के नगर पालिका में जीत कराए हैं और एक निर्दलीय। बात कोरबा की करेंगे जहां पर जनपद